हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी आर टेक्निकल। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर टेक्निकल अपडेट्स एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस, थैंक यू। तो गाइस, आज है प्रिंटर का जिसका अपडेट मैं लेके आया हूँ आपके सामने, ये है E60165। प्रिंटर में क्या दिक्कत आ रही है? प्रिंटर में रिपोर्टेड है प्रिंट क्वालिटी इशू, प्रिंट डल आ रहा है। तो चलिए चेक करते हैं निकाल के प्रिंट। मैंने इसका सप्लाई स्टेटस पेज निकाला है, अभी चेक करते हैं इसको। आप देख सकते हैं मेंटेनेंस किट के नीचे जो बार है वहाँ पे वाइट लाइंस आ रही हैं और फॉन्ट क्वालिटी भी डल है। तो चलिए इसको रिजोल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने कस्टमर को इसका टोनर कार्ट्रिज अरेंज करने के लिए बोल दिया है। दूसरा, तो जो वाइट बार लाइंस आ रही हैं वो टोनर कार्ट्रिज की वजह से आती हैं। टोनर कार्ट्रिज में अगर पेपर डस्ट चली जाती है तो उसकी वजह से वो प्रॉब्लम आती है। और आपने देखा टोनर भी 20% रिमेनिंग है। तो जब तक टोनर आएगा हम इसका लेज़र स्कैनर क्लीन करेंगे। उसको कैसे करेंगे आप देख सकते हो वीडियो में। स्लाइड करो थोड़ा सा। ये कंट्रोल पैनल है, इसके नीचे दो कनेक्शन है इसके। तो अगर आपको कंट्रोल पैनल कभी रिप्लेस करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ इसके नीचे भी एक स्क्रू है, फ्रंट डोर पे दो स्क्रू हैं लेफ्ट डोर के। सभी स्क्रू निकालने के बाद रियर डोर को ओपन करना है और लेफ्ट डोर को थोड़ा सा हमें वो करके आपका ये टॉप कवर जो है ये पूरा का पूरा निकल जाएगा। टॉप कवर निकल गया है। ये है इसका लेजर स्कैनर यूनिट, इसको हमारे को करना है क्लीन। चलिए इसको रिमूव करते हैं। चार स्क्रू हैं। दो कनेक्शन है, एक ये वाला है इसको हटा दिया, दूसरा एक एफएफसी केबल है। ये देखिए, ये वाइट कलर का एफएफसी केबल है। चलिए अब लेजर स्कैनर यूनिट को खोल के मैं दिखाता हूँ आपके इसमें क्या क्या होता है और क्या क्या क्लीन करना होता है इसमें। ये है इसका मोटर, लेजर स्कैनर का मोटर है। इसके चारों के चारों कॉर्नर आपको साफ करने हैं, यही लेजर बीम को रिफ्लेक्ट करते हैं। ईयरबड से ये अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं। अब करने हैं हमारे को ग्लास, ये ग्लास इस साइड से, इस साइड से, ये ग्लास इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से। ये छोटे वाला ग्लास है, इस पे डस्ट आती है तब भी इशू आता है, तो इसको भी मैं क्लीन कर देता हूँ। बड़े ग्लास को हम करेंगे लिंट फ्री क्लोथ से। तो अब आप देख सकते हैं मैंने इसको बंद कर दिया है और इतनी सी एक्टिविटी करने के बाद अब आप प्रिंट क्वालिटी इसका देखोगे तो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। ये एफएफसी केबल आपको ध्यान से लगाना है। अगर आपके पास मॉडल M607608E600055 तो इन सभी सीरीज में सेम प्रोसेस रहेगा क्योंकि इनका बेस इंजन जो है वो सेम है। तो अभी हम कर देते हैं इसको बंद। थोड़ी सी इसकी जनरल सर्विस भी कर देते हैं जहां जहां पे डस्टिंग है। अगर आपको प्रिंटर खोलते टाइम मेरे वीडियो में किसी भी तरह की अगर आपको जानकारी चाहिए, बीच में अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो या मुझे आप ईमेल कर सकते हो, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। डोर लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है, लेफ्ट डोर को थोड़ा सा आपको इससे ऐसे ऊपर से खींचना पड़ेगा तब ये नीचे की तरफ फिट होगा। लगाते टाइम आउटपुट असेंबली के जो फ्लैप है उनका भी ध्यान रखना है। अब देखिए ये स्क्रू जो है नीचे आपको स्टील प्लेट और प्लास्टिक जो है दोनों बिल्कुल सटे हुए नज़र आ रहे हैं।
तो इसका मतलब हमारे ये टॉप कवर असेंबली प्रॉपर लग गया है। अब मैं हम लगा देते हैं स्क्रू। चलिए अभी लगाते हैं इसमें, सारे स्क्रू हमने लगा दिए हैं, अब लगाएंगे कंट्रोल पैनल। आपको ये सारा का सारा प्रोसीजर करने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेंगी। अगर आपको पता है कि कहाँ कहाँ पे क्या लगा हुआ है तो आप 10 से 15 मिनट में पूरी की पूरी एक्टिविटी कर सकते हैं। चलिए मशीन को करते हैं अभी स्टार्ट और चेक करते हैं कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। प्रिंटर को बूट होने में अभी कुछ मिनट लग सकते हैं, तो बूटिंग प्रोसेस को मैं करता हूँ स्किप। चलिए प्रिंटर हमारा ऑन हो गया, अभी प्रिंट क्वालिटी चेक करते हैं कितना इम्प्रूव हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो फ़ॉन्ट क्वालिटी है इम्प्रूव हुआ है, शार्पनेस डार्कनेस सब बढ़ गया है, बट जो वाइट लाइंस है वो देखिए अभी भी आ रही हैं, ये देख सकते हो आप वाइट लाइंस, बट फ़ॉन्ट का क्वालिटी जो है वो बढ़ गया है। आप देख सकते हो प्रिंट डार्क हो गया है पहले से, तो इसके लिए हमें करना होगा, वाइट लाइंस जो आ रही हैं इनके लिए हमें करना होगा टोनर कार्ट्रिज चेंज। मैंने आपको बताया था कि टोनर कार्ट्रिज में पेपर डस्ट जाने से ये इशू आता है, तो अभी हम टोनर कार्ट्रिज कस्टमर ने अरेंज किया है, दूसरे प्रिंटर से ला के दिया है, और ये भरा हुआ भी है, इसमें अच्छा वेट है और ये जेन्युइन है। उसको मत लगाना, यूज्ड बता रहा है, कोई बात नहीं। चलिए हम प्रिंट लेके चेक करते हैं इसको, सेम प्रिंट देते हैं हम, सप्लाई स्टेटस। चलिए इस टोनर कार्ट्रिज से भी प्रिंट आ गया है, ये देखिए इस पर कोई भी वाइट लाइन नहीं है और क्वालिटी बिल्कुल ज़बरदस्त है। आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, इसके जो बार है देखिए इसमें लाइंस नहीं है, ठीक है ये देखिए, लेकिन इसमें लाइंस था, तो वाइट लाइंस आती हैं टोनर कार्ट्रिज की वजह से। आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।